हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ना थंबनेल से, मतलब सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम हो रहा है। सुबह मैं ठीक थी, उठ के मेरा डेली का काम ख़त्म करके वॉशरूम जाना, ब्रश करना। 8:30 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद 9 बजे पता नहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, आके लेट गई बेड पे। फिर उठ के मैं गई किचन पे, कुछ काम था हस्बैंड के लिए, खाना निकालने के लिए। तभी क्या हुआ, मतलब जैसे एनेस्थीसिया से पहले एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं ना, कितना पेन होता। मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने के बाद जैसे शरीर पूरा हील जाता है, बोले वन टाइप ऑफ मतलब शरीर में बहुत सारा कैसा एक फील होता है, जब सा सर घूमने लगता है, उल्टी वॉमिटिंग फील होता है। एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, ऐसा ही था। वो तो बहुत हार्ड रहता है, बट उतना नहीं था, बट उसे थोड़ा सा कम था। एग्जैक्टली उसी तरह का ही फील हो रहा था। तो मैं आके फिर बेड पे सो गई आधा घंटा। फिर उसके बाद उठ के गई, थोड़ा सा मतलब जब उठ के गई फिर ऐसे फील हो रहा था जैसे सांस लेने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम पहले से था और प्रेगनेंसी में थोड़ा बढ़ गया था। अभी जो है कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा है। फिर मैं मेडिसिन खा के सो गई थी। 2 घंटा के बाद जब उठी फिर भी ऐसे ही फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उठ के जाने में मन नहीं करता है, लगता है हाँ बेड पे लेटे रहूँ और सांस थोड़ा सा जैसे ज़ोर से लेना पड़ रहा है। सांस जैसे अपने आप लेते थे वैसे नहीं हो रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं सांस ज़बरदस्ती ले रही हूँ, जैसे मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं सांस ले रही हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है, और ये क्या सुबह से ये एक चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से 2 दिन से मेरा पेट में थोड़ा सा, 3 दिन से पेट में थोड़ा सा लाइट पेन भी हो रहा था। पता नहीं वो पेन क्यों हो रहा था। मैं तो सोच रही थी शायद मतलब बेबी ग्रो होने से जैसे यूट्रस स्ट्रेच होता है, राउंड लिगामेंट पेन है आई थिंक, ये मैं सोच रही थी। बट पता नहीं, फिर मैम से बात करने के बाद वो कुछ मेडिसिन्स दिए लेने के लिए, वो मेडिसिन कल से ले रही हूँ। अभी तक तो मुझे रिजल्ट आई थिंक थोड़ा सा बेटर है, तो उसको लेके कल से तो मैं टेंशन थी ही कि ये क्यों। फर्स्ट तो 2 दिन में उसको इतना सीरियस नहीं ली थी कि हाँ आई थिंक प्रेगनेंसी में होता है। कल मुझे थोड़ा सीरियस लगा कि क्यों होता है ऐसा, एक बार मैम से बात कर लेती हूँ। कल से वो टेंशन मेरा था कि आज सुबह से ये शुरू हो गया है। आई थिंक एसिडिटी के वजह से हो रहा है कि क्या ये दिक्कत, क्योंकि एसिडिटी का मेडिसिन मेरा 2 दिन मतलब बंद था 4-5 दिन से। 2 दिन लेती थी, फिर कल बंद था, आज फिर सुबह से ली हूँ। आई थिंक उसके वजह से हो रहा हो, या थोड़ा कंस्टिपेशन भी 2 दिन से हो रहा है। कंस्टिपेशन के वजह से भी सांस लेने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, एसिडिटी के प्रॉब्लम से भी होता है। अभी नहा के आ रही हूँ 1 बजे, अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे ही सो गई थी। अभी आ रही हूँ तो मैं सोची ठीक है ऐसे ही बेड पे सो के ब्लॉग्स बना देती हूँ। इतना एसिडिटी होता है कि क्या बोले, तो लग रहा है जैसे अंदर में कैसे ब्लोटिंग जैसा हो रहा है पेट का अंदर में। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो, सब ठीक रहे। 4 मंथ कंप्लीट होने जा रहा है 24 को, और 4 मंथ इजीली कंप्लीट हो जाए। 32 वीक प्रेगनेंसी हो जाने से ट्विंस प्रेगनेंसी में, तो आई थिंक उसके बाद सीजरेन कर ही देते हैं भगवान। और 4 महीना मुझे अच्छा से रखे, 4 महीना, 4.5 महीना। तो गाइस फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।